नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। और पहले मुमरा के सीनियर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया और फिर एक और डराने वाली खबर सामने आई है। एक और पीआई, पीएसआई और कांस्टेबल को कोरोना पॉजिटिव आया है। एक बार फिर हड़कंप मच गया है। लगातार मुमरा में कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मुमरा पुलिस के टोटल 4 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव आया है, जिससे एक बार फिर मुमरा पुलिस स्टेशन में सनसनी मच गई है। यही नहीं, आज कौसा के पास 2 लोगों को और कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिस इमारत में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उस इमारत को टीएमसी ने सील कर दिया है। लगातार पॉजिटिव आने से हंगामा मचा हुआ है। मुमरा पुलिस के 4 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर शहर में काफी हंगामा मचा हुआ है। तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। लॉकडाउन जो तोड़ के बाहर जाओगे, बाहर से कोरोना को घर लाओगे। बाहर न जाना, अभी घर में ही रहना, घर से बाहर जाना नहीं किसी हाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लॉकडाउन का आदेश जारी किए आज पूरे 20 दिन हो गए। इस दौरान जहां देश के कुछ राज्यों में स्थिति नियंत्रण में है, वहीं दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे कई अन्य राज्य हैं जहां लोगों की मौतों का आंकड़ा और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा जारी है। 300 के पार मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। अब आप दूसरी तरफ नज़र डालें, ये मुमरा शहर जिसे आपने देखा, एक लौता रोड मुमरा शहर की, और उस पर पुलिस की नाकाबंदी नहीं है। यहाँ तक पुलिस भी पहरे लगाती पिछले 2 दिन से नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह है मुमरा के सीनियर पीआई को कोरोना पॉजिटिव होने के वजह से बाकी के पुलिसकर्मी जो मुमरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं और बाहर से बुलाई गई सीआरपीएफ फोर्स के जवान, वो भी सब के सब सहम गए हैं। 2 दिन पहले जैसे ही खबर मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई की कोरोना से जुड़ी खबर सामने आई, उसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गई और अब लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं पुलिसकर्मियों में कितने लोगों को रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इस बीच कलवा मुमरा के विधायक व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अहवाट भी क्वारंटीन किया है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से लेकर 2 दिन पहले तक वो मुमरा कलवा में गली गली नाके नुक्कड़ पर जाकर लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों को इस कोरोना महामारी के बारे में समझा रहे थे। लेकिन सनसनी तब मची, सनसनी तब फैली जब मुमरा पुलिस की टीम उनकी सुरक्षा के लिए हर जगह मौजूद रहे हैं। और ऐसे में मुमरा पुलिस के सीनियर पीआई को कोरोना होते ही पूरे शहर में हंगामा मच गया। और यही वजह है कि जितेंद्र अहवाट भी जो है खुद को क्वारंटाइन किया है। इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखें। ये लोग कोरोना के संदेह में इन्हें लाया गया था और इनकी टेस्ट हुई और टेस्ट होने के बाद ये नेगेटिव निकले। उसके बाद प्रशासन ने इन्हें इनकी किस तरह से सम्मानित करते हुए इन्हें वापस घर भेज दी है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सख्ती में है। सरकार इस महामारी से निपटने के लिए अपनी पैतरे आजमा रही है, तरह तरह की पैतरे आजमा रही है, लेकिन उसके बावजूद हर रोज मौतों का आंकड़ा और कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और अब एक और वीडियो देखिए, आप जो है पुलिसकर्मी किस तरह से ऐलान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं या फिर जनता को समझा रहे हैं, पहले सुनिए। अभी अपने घरों से बाहर निकलेगा नहीं, तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। तो आपने सुना, पुलिसकर्मी ने कहा तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। यही नहीं, अब तक आपने कई वीडियो वायरल हुई पुलिसकर्मियों का देखा होगा। इस लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वालों पर लाठियां तो पुलिस भासती है, मगर कान पकड़कर उठा बैठक भी करवाती है, छोड़ देती है उसके बाद। लेकिन आज जो वीडियो सामने आई है वो आपके होश उड़ा देगी, पहले देखिए। Thank you.
तरह की हालात है पूरे देश की इस लॉकडाउन के बीच, हम सभी को पता है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।